नालायक को नालायक ही कहेंगे ना। अगर सरकार नालायक है तो सरकार को नालायक कहेंगे। क्या इस देश में सेंसरशिप लगी है क्या? तानाशाही इमरजेंसी लग गई क्या? हम नालायक को नालायक नहीं कह सकते। अगर नालायक को नालायक नहीं कह सकते तो डिक्शनरी से शब्दों को हटा दीजिए। नालायक इज नॉट अनपार्लियामेंट्री वर्ड। दत्ता दळवी जो शिवसेना के मुंबई के मेयर रहे हैं, हमारे पार्टी के उपनेता है, पार्षद रहे हैं, उनको आज सुबह तड़के इतना बड़ा फौज पुलिस का लेकर अरेस्ट कर लिया। क्यों? एक सभा में, यहां भांडुप के सभा में दत्ता दळवी ने ये कहा, हमारे ये जो गद्दार हृदय सम्राट मुख्यमंत्री है वो अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे हैं। उनके लोग ये हिंदू हृदय सम्राट है, क्या किया हिंदुओं के लिए? अपने आप को ये गद्दार ने हिंदू हृदय सम्राट कहे ना, यानी वीर सावरकर हिंदू हृदय सम्राट और हिंदू हृदय सम्राट बाला साहब ठाकरे जी का अपमान है, और ये अपमान के लिए उनके ऊपर FIR लॉज होने चाहिए। ये लोगों की भावना से खेलने का ये पूरा ये अपराध है। तो दत्ता दळवी ने कहा है, भाई ये क्या है, अब अपने आप को हिंदू हृदय सम्राट बोल रहे हो, आपको शर्म नहीं आती? दूसरी बात है, ये जो मुख्यमंत्री है उसने एक फिल्म लिखा ली अन्नदिगे के ऊपर, धर्मवीर। धर्मवीर में जिस शब्द का इस्तेमाल किया दत्ता दळवी ने, वो तो अन्नदिगे जी के डायलॉग में है। अन्नदिगे बोल रहे हैं कि सुखे, तो ये फिल्म के ऊपर एक्शन नहीं है। सेंसर ने वो शब्द को काटा नहीं है, कात्री ने उधर कैची नहीं लगाई। और अगर यही शब्द का इस्तेमाल दत्ता दळवी करते हैं तो उसके ऊपर आप इस प्रकार से एक्शन लेते हो। ये अब्दुल सत्तार नाम का मंत्री खुलेआम सुप्रिया सुले को गाली देता है। ये नारायण तातू राणे जो केंद्र में मंत्री है और उनके बेटे नेपाली बेटे है दो, उसको वो खुलेआम यहाँ आकर गाली देते हैं।